हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन ये जो चैप्टर है अल्फोंसो डाउडेट का लिखा हुआ है और इस चैप्टर में बताया गया है कि किस प्रकार से ये जो अल्फोंसो डाउडेट है वो एक फ्रेंच नॉवलिस्ट है। देखो इस अबाउट द राइटर के अंदर कि ये जो अल्फोंसो है वो फ्रेंच एक नॉवलिस्ट है और ये शॉर्ट स्टोरी लिखने वाले हैं। तो इस स्टोरी के अंदर भी इन्होंने क्या लिखा है, जो फ्रेंच भाषा है क्योंकि ये फ्रांसीसी है तो अपनी फ्रेंच भाषा के बारे में लिखा है कि किस प्रकार से युद्ध में जो जर्मन है वो जीत गए थे और वो बोलते हैं कि फ्रेंच भाषा की जगह अब स्कूल में जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। तब वो अपने जो शिष्य हैं, अपने जो जो बच्चे हैं जिनको वो पढ़ाता है, तो उनको वो बोलता है कि आज का ये अपना लास्ट लेसन है जो कि मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ फ्रेंच भाषा में। इसके बाद में जर्मनी है वो आपके जर्मन भाषा है वो आपके स्कूल में पढ़ाई जाएगी। और वो जो टीचर है वो स्कूल को छोड़ करके, जो मिस्टर हैमल है वो स्कूल को छोड़ करके स्कूल से जाने वाले होते हैं, हमेशा के लिए स्कूल को छोड़ने वाले होते हैं क्योंकि वो पुराने स्कूल में वो रुक नहीं सकते थे। तो उन्होंने एकदम बड़ी ईमानदारी के साथ में बहुत ही अच्छे ढंग से उस चैप्टर को, जो लास्ट लेसन था उसको पढ़ाया। तो ये वो लास्ट लेसन है जिसको कि उन्होंने फ्रेंच भाषा की तारीफ करते हुए, फ्रेंच भाषा को महान बताते हुए पढ़ाया था। तो इसमें लैंग्वेज को इतना ऐसे बताया गया है कि अगर भाषा को हम पकड़े हुए रखेंगे तो चाहे कुछ भी हो जाए हमें कोई हरा नहीं सकता है। तो ये चीज इसमें देखो आएगी। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग स्पेशली बिकॉज मिस्टर हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन प्रिंसिपल्स एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम। तो ये जो राइटर है वो बोलते हैं कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, कि दैट मॉर्निंग उस सुबह, आई स्टार्टेड फॉर मतलब मैं लेट रवाना हुआ था, वेरी लेट मतलब लेट रवाना हुआ था, कहाँ, स्कूल के लिए, कि उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत लेट है वो रवाना हुआ था, स्कूल के लिए लेट मैंने स्टार्ट किया था चलना। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और स्कोल्डिंग का मुझे बहुत डर था। स्कोल्डिंग मतलब जो डांट पड़ताड़ जो होती है, डांटना ये जो डांटना पताड़ना जो होता है उसको बोलते हैं स्कोल्डिंग। तो वाज इन ग्रेट ड्रेड मतलब मैं बहुत ही ज्यादा, मुझे डर था, भय था ऑफ स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग का, डांटना पताड़ना का मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। स्पेशली विशेष रूप से, बिकॉज क्योंकि, विशेष रूप से इसलिए कि मिस्टर हैमल हैड सेड, मिस्टर हैमल ने कहा था, मिस्टर हैमल जो उनके टीचर हैं, उन टीचर ने कहा था कि ही वुड क्वेश्चन अस ऑन प्रिंसिपल्स, कि वो प्रिंसिपल के ऊपर, ही वुड क्वेश्चन, वो क्वेश्चन पूछेंगे अस हमसे, किस पे, ऑन पार्सिपल, पार्सिपल जो एक टॉपिक है उस टॉपिक के ऊपर, पार्सिपल के ऊपर वो क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा मिस्टर हैमल ने कहा था। तो विशेष रूप से इसलिए उसको डर लग रहा था, एक तो वो लेट हो गया और ऊपर से डांट का भी डर था क्योंकि क्वेश्चन पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और उसके बारे में मुझे फर्स्ट वर्ड भी मैं नहीं जानता था, उन पार्सिपल के बारे में मैं पहला शब्द भी नहीं जानता था। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, कि फॉर ए मोमेंट, एक मोमेंट के लिए, एक क्षण के लिए, आई थॉट मैंने सोचा ऑफ रनिंग अवे मतलब भाग जाने के बारे में मैंने सोचा, एक क्षण के लिए मुझे लगा कि मैं भाग जाऊं यहाँ से, तो भाग जाने का सोचा, एंड स्पेंडिंग द डे और दिन को व्यतीत करने का, आउट ऑफ डोर्स मतलब घर से बाहर की बात आ रही है कि घर से बाहर दिन को व्यतीत करने का और भाग जाने का मैंने सोचा एक क्षण के लिए। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, ये बहुत ही वार्म दिन था, मतलब जो दिन है वो बहुत ही वार्म था, गर्म था, सो ब्राइट एकदम चमकीला, सूर्य की धूप की वजह से चमकीला वो था, एकदम धूप खिली हुई थी। द बर्ड्स वर चिपरिंग एट द एजेज ऑफ द वुड एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल द पर्शियन सोल्जर वर ड्रिलिंग, देखो द बर्ड्स वर चिपरिंग एट द एज ऑफ द वुड, की जो वुड मतलब जो जंगल था, वुड मीन्स यहाँ पे लकड़ी नहीं है, वुड मीन्स जंगल, की जंगल के एजेस में, जंगल के अंदर, जंगल के किनारे जो बर्ड्स थे, जो पक्षी थे, वो चिरपिंग कर रहे थे मतलब चहचहा रहे थे, उनकी जो चींची की आवाज है वो आ रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले हुए खेत में, बैक ऑफ द सामिल होता है आरे की मशीन के पीछे, खुले हुए खेत में जो पर्शियन सोल्जर थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, कौन, जो पर्शियन सोल्जर थे। It was all much more tempting than the rule for parcel, but I had the strength to resist and hurried off to school.
कि इट वॉज ऑल मच की ये सब कुछ मच मतलब पर्याप्त थे, मोर टेम्पटिंग आकर्षित करने वाले थे देन द रूल फॉर पार्सवल, कि पार्सवल के नियमों की बजाय ये जो सारी चीज थी इट वॉज ऑल ये सारी चीज थी वो मच मोर टेम्पटिंग थी, मतलब और अधिक आकर्षित करने वाली थी। टेम्पटिंग होता है अट्रैक्ट करना, कि पार्सवल के नियमों की बजाय ये सारी चीज है वो आकर्षित करने वाली थी, यहाँ तक कि पर्शियन सोल्जर का जो अभ्यास था ट्रेनिंग थी वो भी आकर्षित कर रहा था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मुझमें रेसिस्ट करने की स्ट्रेंथ थी, मुझमें विरोध करने की शक्ति थी। किसका विरोध? वो खुद का ही विरोध कर रहा है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे स्कूल चलना चाहिए, ये सारी चीजें व्यर्थ की चीज है। तो खुद का जो रेसिस्ट है, विरोध है, विरोध करने की ताकत लेकिन मेरे में थी। एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और मैं हरिड ऑफ मतलब जल्दी से स्कूल की तरफ मैं चल पड़ा, स्कूल की तरफ मैं चलने लग गया। अब वो जल्दी जल्दी स्कूल पहुंच रहे हैं। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. कि when I passed the town hall, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, जब मैं टाउन हॉल के निकट से गुजरा, there was a crowd, वहां पे क्राउड थी, भीड़ थी, in front of the bulletin board. बुलेटिन बोर्ड मतलब जो एक सूचना का जो पट होता है, सूचना पट जिसको बोलते हैं, जहाँ पे न्यूज वगैरह जो नोटिस बोर्ड होता है, जहाँ पे न्यूज लगाई जाती है, तो उसको बोलते हैं बुलेटिन बोर्ड। कि व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, तो बुलेटिन बोर्ड के ऊपर उस समाचार वाले पट के सामने एक क्राउड थी, मतलब भीड़ थी, वहां पे बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ थी। फॉर द लास्ट टू इयर्स ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, कि फॉर द लास्ट टू इयर्स के पिछले दो वर्षों से ऑल आवर बैड न्यूज हमारी सारी जो बैड न्यूज थी, बुरी खबरें थी, वो हैड कम फ्रॉम देयर, वो वहां से ही आती थी, मतलब सारे बुरे समाचार है वो हमें बुलेटिन बोर्ड से ही मिलते थे पिछले दो सालों से। और बुरे समाचार कौन कौन से? द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। तो बुरे समाचार वो बता रहे हैं कि द लॉस्ट बैटल्स, कि जो हारे हुए जो बैटल्स थे, युद्ध थे, उन हारे हुए युद्ध की सूचना यहां से मिलती थी। द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट मतलब जो सिपाहियों की भर्ती होती थी वो भी यहाँ से पता चलती थी। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर के आदेश, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने मन में ही सोचा, अपने आप से ही सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए मैंने खुद ही सोचा कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या मैटर हो सकता है, अब क्या मामला हो सकता है, अब कौन सी न्यूज है वो वहां पे आ सकती है, ऐसा मैंने अपने आप से ही सोचा। अब देखो, देन एज आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड द ब्लैक स्मिथ वर्कर हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, डोंट गो सो फास्ट बर्ग, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तो देखो, देन फिर एज आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड, कि मैं जितनी शीघ्रता में कर सकता था उतना तेज में चला, मतलब हरिड मतलब तेजी से चलना, कि जितना तीव्र गति से एज फास्ट एज आई कुड गो, मतलब जितनी फास्ट गति से मैं जा सकता था उतना फास्ट उतना तेज गति से मैं चला। द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ मतलब जो लुहार, लुहार का नाम क्या है? वाक्टर। कि वाक्टर जो कि लुहार था, हु वॉज देयर जो कि वहां पे था, वाक्टर लुहार जो वहां पे था, विद हिज अप्रेंटिस अपने अप्रेंटिस के साथ, अपने शिष्य के साथ, शिष्य के साथ जो प्रशिक्षु होता है, शिष्य होता है, उसको अप्रेंटिस बोलते हैं, कि अपने अप्रेंटिस के साथ, अपने शिष्य जो प्रशिक्षु या जो शिष्य था, उस शिष्य के साथ में लुहार वॉक्टर है वो वहां पे था, रीडिंग द बुलेटिन, वो बुलेटिन पढ़ रहा था, समाचार पढ़ रहा था, कॉल्ड आफ्टर मी, उसने आफ्टर मी मतलब मेरे पीछे से, कॉल्ड मतलब आवाज लगाई मेरे पीछे से, उसने कहा, क्या कहा? डोंट गो सो फास्ट, कि इतना तेज मत चलो बब बच्चे, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, कि यू विल गेट टू योर स्कूल, कि तुम्हें स्कूल पहुंचने के लिए प्लेंटी ऑफ टाइम है, तुम्हें स्कूल पहुंचने के लिए तुम्हारे पास बहुत समय है, इतना तेज मत चलो चे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि आई थॉट मैंने सोचा ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वो मेरा मजाक बना रहा था। एंड रीच मिस्टर हैमर्स गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, एंड रीच मिस्टर हैमर्स लिटिल गार्डन, और मैं पहुंचा मतलब मुझे लगा वो मेरा मजाक उड़ा रहा था, मेरा मजाक बना रहा था, और मैं मिस्टर हैमल के लिटिल गार्डन में, छोटे से गार्डन में, बगीचे में, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ मतलब एकदम हांफते हुए मिस्टर हैमल के छोटे से गार्डन में पहुंचा, रिस्ट यानी पहुंचा। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन देयर वाज ए ग्रेट बशर विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड विद अवर हैंड्स ओवर अवर इयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। तो बता रहा है कि यूजली वो स्कूल आता है तो क्या होता है, कि यूजली व्हेन स्कूल बिगन,
कि सामान्यतः वेन स्कूल बिगन, जब स्कूल बिगन होता था, शुरू होता था, देर वो जे ग्रेट बशल की वहां पे बहुत ज्यादा बशल मतलब शोर शराबा होता था, कोमोशन होता था। जब भी स्कूल शुरू होता था तो बहुत अधिक शोर शराबा होता था, मूवमेंट होती थी, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि स्ट्रीट में गली में भी सुनी जा सकती थी। इतनी जो आवाज होती थी स्कूल शुरू होता था तब कि गली में भी आवाज सुनी जाती थी। कौन कौन सी आवाज है? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, कि डेस्क के खुलने और बंद होने की आवाज। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन मतलब एक साथ एक स्वर में लेसन्स का, लेसन का पाठों का रिपीट किया जाना, उसका दोहरान करना वेरी लाउड बहुत तेज आवाज में। विद अवर हैंड्स, कि हमारे जो हैंड्स है वो ओवर अवर ईयर हमारे कानों के ऊपर टू होते थे, टू अंडरस्टैंड बेटर, कि अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए, अच्छे ढंग से समझने के लिए कानों के ऊपर हमारे हाथ है वो होते थे। क्यों? क्योंकि जब बहुत तेज लाउड आता है तो हमें सुनाई नहीं देता, हमें समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, पर जब कानों पे हाथ रखते हैं लाउड थोड़ा कम सुनता है धीरे धीरे, तब हमें समझ में आता है कि क्या चीज है वो चल रही है। बच्चे जैसे कानों पे हाथ लगा के तेज तेज ऐसे रिपीट करते हैं साउंड को, तो वैसे है कि हमारे जो कानों के ऊपर, अच्छे से समझने के लिए कानों के ऊपर हाथ होते थे और हम एक स्वर में मतलब लेसन के रिपीट किए जाने की, दोहराने की साउंड वहां पे निकलती थी वेरी लाउड, बहुत तेज तेज गति, बहुत तेज तेज लाउड आता था। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और आवाज किसकी आती थी? टीचर के ग्रेट रूलर की, बड़े से रूलर की, डंडे की रैपिंग, मतलब रैपिंग होता है खटखटाना, ऑन द टेबल, टेबल पे खटखटाते हुए टीचर के बड़े रूलर की, डंडे की आवाज आती थी जब भी सामान्यतः स्कूल शुरू होता था तब। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, बट नाउ लेकिन अब, इट वॉज ऑल्सो स्टिल, सारी चीज है वो स्टिल थी, शांत थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, कि आई हैड काउंटेड ऑन, कि मुझे लगा था, मतलब वो बता रहा है कि क्या हुआ था, उसने क्या विश्वास किया था, उसने काउंटेड ऑन मतलब उसने भरोसा किया था, उसको विश्वास था उस कमोशन पे, शेर जो शोर शराबा हो रहा था उस पे, टू गेट टू माई डेस्क, कि मैं अपनी डेस्क को, डेस्क तक पहुंच जाऊंगा विदाउट बीइंग सीन, कि बिना दिखे, किसी को भी दिखे बिना अपनी डेस्क पर पहुंच जाने के ऊपर उसने उस शोर पे भरोसा किया था, उस होने वाले कमोशन पे, शोर पे उसने विश्वास किया था। बट लेकिन ऑफकोर्स वास्तव में That day everything had to be as quiet as Sunday morning, कि उस दिन क्या था, everything had to be as quiet, कि प्रत्येक चीज है वो उतनी ही quiet थी, उतनी ही शांत थी जितनी की Sunday morning होती है, होती थी, जितनी की रविवार की सुबह जितनी शांति होती थी उतनी ही शांति वहां पे थी। Through the window I saw my classmates already in their places, कि थ्रू द विंडो, विंडो से मैंने देखा, विंडो के माध्यम से, खिड़की के माध्यम से, आई सा मैंने देखा माई क्लासमेट्स, मेरे क्लासमेट्स को, मेरी जो क्लास के सहपाठी थे उनको मैंने देखा खिड़की के माध्यम से, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेज, वो पहले से ही अपने स्थान पे थे, ऑलरेडी यानी पहले से इन देयर प्लेसेज वो अपने स्थान पे थे। एंड मिस्टर हेमल, और जो मिस्टर हेमल थे टीचर थे, वो वॉकिंग कहाँ पे वॉक कर रहे थे, वो अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, कि जो मिस्टर हेमल थे वो वॉकिंग अप एंड डाउन मतलब इधर उधर वो चल रहे थे, विद हिज टेरिबल आयरन रूलर बार, अपने टेरिबल यानी भयानक लोहे के उस रूलर के साथ, डंडे के साथ, अंडर हिज आर्म, अपनी आर्म में दबाए हुए, अपनी मतलब भुजाओं में दबाए हुए उस भयानक लोहे के डंडे को लिए हुए मिस्टर हेमल है वो इधर उधर है वो घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, की आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा क्योंकि अब कोई शोर नहीं था, सब शांत थे, तो पता चल जाता उसका कि अब वो आया है। पहले उसने सोचा था कि इतना आवाज होगी, शोर होगा, तो मैं पहुंच जाऊंगा अपनी सीट तक, अपनी बेंच तक, लेकिन अब क्या था, आई हैड टू ओपन द डोर, कि मुझे दरवाजा खोलना था, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और प्रत्येक व्यक्ति के सामने गो इन, मुझे जाना था मतलब उन सब के सामने मुझे प्रवेश करना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, कि यू कैन इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हो, आप कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लश्ड, कि मैं कितना ब्लश्ड था, कितना शर्मिंदा था, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और मैं कितना फ्राइटेंड था, डरा हुआ था। बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ भी हैपन नहीं हुआ, कुछ घटित नहीं हुआ, मतलब उसको डर लग रहा था कि उसको डांट पड़ेगी, लेकिन कुछ घटित नहीं हुआ। मिस्टर हेमल सा मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, कि मिस्टर हेमल सा मी, मिस्टर हेमल ने मुझे देखा एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत ही काइंडली, दयालुता के साथ में कहा, क्या कहा, कि गो टू योर प्लेस क्विकली, कि शीघ्रता से, गो टू योर प्लेस, अपने स्थान पे जाओ, लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, जल्दी से अपने स्थान पे जाओ। We were beginning without you, कि हम तुम्हारे बिना ही, without you मतलब तुम्हारे बिना ही हम beginning कर रहे थे, हम तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे अपने चैप्टर को, तो अब तुम अपने स्थान पे है वो जाओ। I jumped over the bench and sat down at my desk,
तो अब देखो, आई जम्प्ड ओवर द बेंच की, मैं बेंच के ऊपर से उछला एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और अपनी डेस्क के ऊपर मैं बैठ गया, अपनी डेस्क के पास जा बैठा। नो टिल देन व्हेन आई हैड गोट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडरीड दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। तो देखो बता रहा है कि नोट टिल देन, कि तब तक नहीं, व्हेन आई हैड गोट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, कि जब तक कि मेरे फ्राइट पे, मेरे डर पे मैंने मतलब गोट ए लिटिल ओवर, मतलब थोड़ा सा वश कर लेना, कि जब तक मैंने अपने डर पे, अपने फ्राइट पे, अपने भय के ऊपर जब तक मैंने कंट्रोल नहीं कर लिया था, उस पर मैंने काबू नहीं पा लिया था, कि तब तक ऐसा मैंने नहीं देखा था। नोट टिल देन कि उस टाइम तक मैंने, नोट टिल देन डिड आई सा कि उस टाइम तक मैंने नहीं देखा था, जब तक कि मेरे डर पे मैंने कंट्रोल नहीं कर लिया था, मेरे डर को मैंने काबू में नहीं कर लिया था, कि आवर टीचर हैड ओन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, कि हमारा जो टीचर है, हमारे जो अध्यापक है, जो मिस्टर हेमल है, वो हैड ओन हिज अपने ब्यूटिफुल ग्रीन कोट में है, ग्रीन कोट में थे, अपने सुंदर हरे कोट में हमारे टीचर थे, अपना सुंदर कोट, हरा रंग का कोट है वो पहने हुए थे, हिज फ्रिल शर्ट अपने फ्रिल शर्ट में थे, फ्रिल मतलब अपनी झालरदार जो शर्ट होती है उसमें थे, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क केप और अपनी छोटी काली सिल्क की केप वो लगाए हुए थे, ऑल एम्ब्रॉयडरी पूरी की पूरी क्या थी, एम्ब्रॉयडरी थी उसपे, मतलब काम किया हुआ था, कढ़ाई का काम किया हुआ था, दैट ही नेवर वोर जो कि वो कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट मतलब सिवाय ओन इंस्पेक्शन और जो प्राइज डे होता था, पुरस्कार वितरण का जो दिन होता था और जो निरीक्षण करने का दिन होता था, उसके सिवाय वो कभी नहीं पहनते थे। तो जो हमारे टीचर हैं, कि मैंने उस समय तक नहीं देखा था, जब तक कि अपने डर पे मैंने कंट्रोल नहीं कर लिया था, कि हमारे टीचर है वो अपने सुंदर हरे कोट में और फ्रिल शर्ट में, झालरदार शर्ट में, छोटी काली सिल्क केप में जो कि एम्ब्रॉयडरी करी हुई थी, कढ़ाई करी हुई थी उस पूरी पे, उस उन कपड़ों के अंदर थे, जो कि ही नेवर वोर, जो कि वो कभी नहीं पहनते थे सिवाय निरीक्षण और प्राइज डे के, सिवाय वो कभी नहीं पहनते थे। Beside the whole school seemed so strange and solemn, कि besides इसके अलावा, इसके अतिरिक्त मतलब ये चीज तो थी, इसके अतिरिक्त the whole school वो जो पूरे स्कूल थी वो seemed प्रतीत होती थी so strange कि बहुत ही strange, बहुत ही अजीब और solemn मतलब बहुत ही गंभीर और अजीब सी पूरी स्कूल प्रतीत होती थी। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. तो देखो, बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी, कि जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज किया, कि द थिंग जिस जो चीज दैट सरप्राइज मी मोस्ट, जिसने मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइज किया वॉज टू सी, वो ये देखना था, क्या देखना, ऑन द बैक बेंचेज की पीछे की बेंचेज पे, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी जो कि हमेशा खाली होती थी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्वेज की, जो विलेज पीपल थे, जो गांव के जो लोग थे, वो सिटिंग बैठे हुए थे क्वाइटली एकदम चुपचाप से, लाइक और सेल्वेज हमारे समान एकदम चुपचाप से गांव के लोग है वो बैठे हुए थे। कि सबसे सरप्राइज वाली जो चीज थी वो मुझे ये देखने लगी कि बेंच के पीछे जो हमेशा खाली होती थी, बेंच का पिछला हिस्सा जो हमेशा खाली होता था, वहां पे गांव के लोग है वो हमारे समान एकदम चुपचाप बैठे हुए थे। तो ये चीज है वो सबसे ज्यादा स्ट्रेंज उसको लग रही थी, सरप्राइज लग रही थी। कौन कौन बैठा था, देखो, ओल्ड हाउसर With his three cone hat, the former mayor, the former postmaster and several other besides. कि एक तो बैठा था the old hoser, जो बूढ़ा होसर था, with his three cornered hat, अपनी तीन कोने वाली हैट के साथ, अपनी तीन कोने वाली टोप को पहने हुए, the former mayor, भूतपूर्व जो मेयर था, the former postmaster, भूतपूर्व postmaster बैठा था, and several others beside, और इनके अतिरिक्त several others, कई और भी बैठे हुए थे, कई दूसरे भी बैठे हुए थे, everybody looked sad. हर एक है वो लुक सैड मतलब दुखी दिखाई देता था, उदास दिखाई देता था, एंड होसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थंब एट द एजेस एंड ही हैल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। तो एंड होसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, जो होसर था, ओल्ड होसर, वो ब्रॉट लाया था, क्या लाया था, एन ओल्ड प्राइमर, एक पुरानी जो प्राइमर थी, पोथी थी, जो पहले छोटे बच्चे पढ़ते थे उस पुरानी पोथी को वो लेके आया था होसर। थंब्ड एट द एजेस, जिसके किनारे थंब मतलब अंगूठे लगे हुए थे, मतलब अंगूठों से जैसे पेज को पलटते हैं तो उस तरीके से उसके जो किनारे थे, पोथी के किनारे थे, वो एकदम गंदे हो गए थे, अंगूठे के निशान उस पे लगे हुए थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन, और इसने इसे
हेल्ड मतलब पकड़ा हुआ था, ओपन एकदम खुला, ऑन हिज नी अपने घुटनों के ऊपर, अपने घुटनों के ऊपर उसको खुला छोड़ा हुआ था, विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल अपने बड़े बड़े चश्मे के साथ में, लाइंग अक्रॉस द पेजेज की पेज के आर पार पड़े हुए अपने बड़े चश्मे के साथ, अपने घुटनों पे इसको खुला हुआ उसने छोड़ रखा था, मतलब उसके पेज के ऊपर तो उसने अपना चश्मा भी रखा हुआ था और उसको अपने घुटनों पे बुक को रखा हुआ था, उस प्राइमर को रखा हुआ था। While I was wondering about it, old Mr. Hammer mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he has used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you." तो देखो while I was wondering about it all, कि जब मैं इन सब के ऊपर about it all, मतलब इन सब के बारे में जब मैं wondering था, जब मैं विचार कर रहा था, आश्चर्य कर रहा था, Mr. Hammer mounted his chair, Mr. Hammer वो अपनी चेयर से मतलब माउंटेड मतलब बैठ जाना अपनी चेयर पे, वो बैठ गए Mr. Hammer एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उस सेम गंभीर और जेंटल टोन के साथ में, उस कोमल आवाज के साथ में, एक तो गंभीर साउंड था और जेंटल था, कोमल था, विच ही हैड यूज टू मी, जो कि वो मेरे साथ यूज किया करते थे, मेरे साथ प्रयोग करते थे, उन्होंने सैड कहा, क्या कहा, कि माई चिल्ड्रन मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, की ये लास्ट लेसन है, ये आखिरी पार्ट है, आई शेल गिव यू, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा आज, मैं जो आपको देऊंगा पढ़ाऊंगा वो एक लास्ट लेसन है। The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. कि the order has come from Berlin, कि Berlin से order आया है, Berlin से आदेश आया है कि Alsace और जो Lorraine है उनके स्कूलों में केवल जर्मन है वो ही सिखाई जाएगी, Lorraine और Alsace के स्कूलों में जर्मन भाषा को सिखाया जाएगा, Berlin से ऐसा order आया है। The new master comes tomorrow, नया master है वो कल आ जाएगा, कल आएगा जो उनको जर्मन सिखाएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये आपका आखिरी फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि तुम सब अटेंटिव हो, तुम ध्यान से सुनो। वॉट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, कि मेरे लिए ये कितने थंडर क्लैप वाले शब्द थे, कि बिजली की कड़कड़ाहट वाले शब्द है वो मेरे लिए, मुझे लगे कि कितने ये शब्द वो कितने कड़कड़ाहट वाले थे, बिजली की आवाज के समान थे। ओ द रेचेज, की अरे दुष्टो दुष्ट लोग, That was what they had put up at the town hall, की that was यही वो था, what they had put up, जो उन्होंने लगाया था at the town hall, की town hall में यही चीज उन्होंने लगा रखी थी, यही वो चीज था। My last French lesson, मेरा आखिरी French का पार्ट, why I hardly knew how to write, की क्यों, I hardly knew, मैं मुश्किल से ही जान पाया था कि how to write की कैसे लिखा जाता है, मैं तो लिखना ही मुश्किल से सीखा हूँ। I should never learn anymore, अब मैं कुछ और नहीं सीख पाऊंगा, आई मस्ट स्टॉप देयर देन, कि फिर आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे वहीं रुकना होगा, मतलब और कुछ मैं नहीं सीख पाऊंगा, आगे नहीं सीख पाऊंगा, मुझे यही रुकना होगा। ओ अरे हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द स्टार, तो बताना है कि ओ अरे हाउ सॉरी, मुझे कितना दुख है कि आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, कि मैं अपने लेसन को नहीं सीख पाया था, अपने पार्ट को मैं नहीं सीख पाया था, फॉर क्योंकि सीकिंग बर्ड्स एग्स, कि जो पक्षी है उन पक्षी के अंडों को ढूंढने के कारण, मतलब मैं उन अंडों को ढूंढने में लगा रहता था, उन अंडों को ढूंढने के कारण मैं अपने लेसन को नहीं सीख पाया, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार पे स्लाइड करने के लिए जाने के लिए मैं अपने उस लेसन को नहीं समझ पाया था। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस ए व्हाइल अगो, जो कि थोड़ी देर मुझे न्यूसेंस लग रही थी, मुझे बकवास लग रही थी, मुसीबत लग रही थी मेरी किताबें थोड़े समय पहले, जो मुझे न्यूसेंस मतलब बकवास लग रही थी, व्यर्थ लग रही थी, भारी जो मुझे खराब लग रही थी, सो हैवी टू कैरी, ले जाने के लिए बहुत भारी लग रही थी, मतलब मुझसे उठाई नहीं जा रही थी, उठाकर चलने में बहुत भारी लग रही थी। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट वर ओल्ड फ्रेंड नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, कि मेरी ग्रामर की और मेरी हिस्ट्री की, हिस्ट्री कौन सी, ऑफ द सेंट, संतों का जो इतिहास था मेरी, एक तो ग्रामर, ग्रामर की किताब, और एक जो संतों का जो इतिहास मेरी जो पुस्तक थी, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब वो मेरी ओल्ड फ्रेंड लग रही थी, मेरी पुरानी मित्र मुझे लग रही थी, कि इतने टाइम तक मेरी किताबें जो थोड़े समय पहले मुझे एकदम व्यर्थ लग रही थी, बकवास लग रही थी, मुसीबत लग रही थी, उठाकर ले जाने में बहुत भारी लग रही थी, मेरी ग्रामर और संतों के इतिहास की किताब, अब वो मुझे ओल्ड फ्रेंड लग रही थी, अपनी पुरानी मित्र है वो मुझे लग रही थी। दैट आई कुडंट गिव अप, जिसको मैं गिव अप नहीं कर सकता था, मैं त्याग नहीं सकता था। एंड मिस्टर हैमल टू, और मिस्टर हैमल भी मुझे इतने ही अच्छे लग रहे थे, जिनको मैं छोड़ नहीं सकता था। The idea that he was going away, कि ये विचार कि वो चले जाएंगे, that I should never see him again, कि मैं उनको कभी नहीं देख पाऊंगा, made me forget all about his ruler and how cranky he was, कि made me forget all about, उसने मुझे सब कुछ भुला दिया था, about his ruler, कि उसके ruler के बारे में भी मुझे भुला दिया था, कि
ये चीज कि वो अब जा रहे हैं, मिस्टर हेमल से मैं कभी नहीं मिलूंगा, अब उनसे कभी नहीं मैं उनको देखूंगा, तो इस चीज ने मेड मी फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूलर, उसके पूरे रूलर, उसके डंडे के बारे में, और वो कितना क्रैंकी था, वो कितना सनकी था, इन सब बातों को मुझे मुझसे भुला दिया, मतलब वो मैं भूल गया था वो कितने सनकी थे और कितने मतलब उस रूलर को रखते थे, आयरन रूलर। पुअर मैन, बेचारा आदमी। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, कि अपने लास्ट लेसन का सम्मान था, अपने आखिरी पाठ के सम्मान ही था, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ, कि उसने अपने अच्छे संडे के कपड़े हैं वो पहने हैं, रविवार के अच्छे वस्त्र पहने थे उसने। एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। एंड नाउ, और अब आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, की गांव के बूढ़े आदमी है वो क्यों वर सिटिंग, वो बैठे हुए थे देयर वहां पे, इन द बैक ऑफ द रूम, की रूम के पिछली बेंचेस पे या रूम के पीछे, रूम में पीछे वहां पे गांव के बूढ़े आदमी है वो क्यों बैठे थे। नाउ आई अंडरस्टूड, अब मैं समझ चुका हूँ, अब मैं समझ गया था। तो इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर। इट वॉज बिकॉज, यह इसलिए था बिकॉज, क्योंकि दे वर सॉरी, वो सॉरी थे, वो दुखी थे किस चीज के लिए, कि दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर, कि वो ज्यादा स्कूल नहीं जा पाए थे, वो ज्यादा दिन स्कूल वो नहीं आए थे, मतलब वो स्कूल क्यों नहीं गए थे, इस बात को लेकर के वो दुखी थे कि वो और स्कूल क्यों नहीं आए। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अ मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। कि इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग, कि उनका थैंकिंग का तरीका था, उनका धन्यवाद देने का तरीका था, और मास्टर, हमारे मास्टर को, फॉर हिज 40 years ऑफ, उनके 40 साल की जो फेथफुल सर्विस थी, कि उनकी 40 साल की निष्ठापूर्ण सेवा, हमारे मास्टर की 40 साल की निष्ठापूर्ण सेवा का धन्यवाद देने का ये उनका तरीका था, उन विलेजर्स का। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट, और अपना जो रिस्पेक्ट, उनके प्रति जो रिस्पेक्ट था, और शोइंग मतलब दिखाना, देयर रिस्पेक्ट, अपना सम्मान फॉर द कंट्री, कंट्री के लिए, देश के लिए अपना सम्मान दिखाने का ये उनका तरीका था। दैट वॉज देयर्स नो मोर, जो अब उनका नहीं था, मतलब जो देश अब जर्मन लोगों ने ले लिया था, और फ्रेंच लोगों का जो देश अब नहीं रहा था, तो उस देश के प्रति उनका जो सम्मान दिखाने का, रेस्पेक्ट शो करने का उनका वो तरीका था। एक तो क्या तरीका था, अपने मास्टर की 40 साल की जो फेथफुल सर्विस थी उसका धन्यवाद देने का तरीका, दूसरा कंट्री के लिए अपनी रेस्पेक्ट को शो करने का तरीका उनका था। तो आई होप इतना जो है चैप्टर आपको क्लियर हुआ है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो लिटिल फ्रेंच है उसको, जो मिस्टर हेमल है, वो कौन से क्वेश्चन पूछने वाले थे, कौन से टॉपिक पर क्वेश्चन उसको पूछने वाले थे, और सेकंड आपको बताना है कि कौन कौन लोग है वो लास्ट लेसन को लेने के लिए गांव से, कौन कौन लोग लास्ट लेसन पढ़ने के लिए आए थे। एक तो क्वेश्चन है वो मिस्टर हेमल कौन से टॉपिक पे पूछने वाले थे, सेकंड आपको बताना है कि कौन कौन लोग है जो पीछे की जो बेंच थी वहां पे गांव के लोग पढ़ने के लिए, लास्ट लेसन लेने के लिए आए थे। तो आई होप आपको इतना चैप्टर क्लियर हुआ है, समझ में आया है। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।